आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली सरकार का ऐलान, दिल्ली में जिम, स्पा, सिनेमा घर रहेंगे बंद, मेट्रो रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ इजाजत। कानपुर को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, मेट्रो परियोजना का हुआ उद्घाटन, पीएम बोले पहले की सरकारों ने गवा दी कीमती वक्त। लुधियाना बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मुल्तानी जर्मनी में गिरफ्तार, पाकिस्तान आने जाने को लेकर जांच जारी। पुदुचेरी में ओमिक्रॉन के दो नए मामले आए सामने, दोनों अस्पताल में किए गए भर्ती। पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया बीजेपी में हुए शामिल। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आज जन विश्वास यात्रा की जो रैली है वो हरदोई पहुंची। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2017 में हरदोई की 8 विधानसभाओं में एक सीट पर विजय हासिल नहीं हुई थी, अब की सभी सीटों पर भाजपा को विजय दिलाना है। 15 सालों तक बुआ और बबुआ का शासन रहा लेकिन विकास नहीं हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया है। वहीं सपा और बसपा के शासनकाल में किसी का विकास नहीं हुआ है और भाजपा सबका साथ और सबके विश्वास, सबके साथ विकास में विश्वास रखती है। वहीं ताजनगरी आगरा में दबंगों के हौसले फिर से बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां दबंगों ने किसान की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। खड़ी फसल को बर्बाद करने का वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में दबंग ट्रैक्टर चलाते हुए फसलों को बर्बाद करता दिखाई दे रहा है। इस मामले में पीड़ित किसान ने एसडीएम फतेहाबाद से पूरे मामले की शिकायत की। एसडीएम फतेहाबाद ने जिला निबोहरा को एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित कर दिया है। ये पूरा मामला फतेहाबाद तहसील के नागर गांव का बताया जा रहा है। वह अगली खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां पर एक वृद्ध विधवा महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल राम प्यारी देवी के पति की मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी, जो पीएससी विभाग में तैनात थे, जिनका गांव एक पक्के मकान का है। बता दें कि वृद्ध महिला ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोग उनके मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महिला ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कब्जा हटवाने की भी मांग की है। बहुत परेशानी कर रहा है। कौन कर रहे हैं? हमारे दयाद नहीं है सके। क्या परेशानी कर रहे हैं? परेशानी कर, हमको रहने नहीं दे रहे हैं। एक दफे सब सामान लूट के लेके चला गया। कहाँ सामान, कहाँ से लूट के लेके चले गए? हमारे घर में से। आपको घर में रहने नहीं दे रहे हैं? नहीं। आपका घर है? हाँ। अच्छा, आप गांव में सबसे पूछ लीजिए कि किसका बनाया हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा है आपके घर में। इस पे अधिकारी अधिकारी लोग से बात हुई? हाँ, तो ताला मार दिए वो लोगों। अच्छा, वो लोग ताला मार दिए? हाँ, अच्छा, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा मकान खोल दे, हम वहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। यहाँ अपने फायदे किए रहते हैं। अच्छा, वो लोग परेशान किए तब हम यहाँ चले। वही फतेहपुर में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट देखने को मिली और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिससे कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वीडियो वायरल होने से हरकत में आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सीओ खागा गयादत्त मिश्रा ने बताया कि थरियावा थाना क्षेत्र में अंबापुर गांव में जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम अंबापुर थाना थरियाव में
जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, पत्थरबाजी की गई, जिसमें तीसरे पक्ष को भी चोटें लग गई हैं, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फतेहपुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली है। इस वायरल वीडियो भी इस पूरे मामले का जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से दो पक्षों में लाठी डंडे जमकर चलाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच इस पूरी झड़प में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले में अब FIR दर्ज करने की बात कही गई है। वहीं तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में शौर्य चक्र से सम्मानित तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का घायल होने के दौरान निधन हो गया था। बता दें कि ग्रुप कैप्टन शहीद वरुण सिंह की शहादत पर देवरिया में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विवेक मिश्रा के नेतृत्व में उनकी याद में 100 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा रुद्रपुर तहसील से होते हुए कैप्टन वरुण सिंह के घर कनहौली तक ले जाई गई। इस यात्रा में भारी संख्या में युवा कांग्रेसियों के साथ अन्य लोग भी तिरंगे की शान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा का संदेश शहीद कैप्टन वरुण सिंह की शहादत पर उनको नमन करना है। ऐसे सपूत को मेरा दिल से नमन है। से 100 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाला गया हमारे युवा साथियों द्वारा और सबने मिलकर इस बार जो है ग्रुप कैप्टन सहित उनको श्रद्धांजलि दिया सबने मिलकर, और सारे युवा पूरा जो भी इधर तहसील का रुद्रपुर के जितने युवा थे सब एक साथ आए और उन लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और सब ये चाहते हैं, सब ने कहा कि हम सब आगे बढ़कर कैप्टन ग्रुप सिंह जैसा बनना चाहते हैं। तो देवरिया में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि 100 मीटर तिरंगे की ये यात्रा आज निकाली गई थी, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया गया है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 14 जवान भारतीय सेना के शहीद हो गए थे। उन्हीं में से एक थे देवरिया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो इस पूरे हमले में घायल बताए जा रहे थे। आपको बता दें कि इस दुर्घटना के बाद ग्रुप कैप्टन करीब 8 दिनों तक उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच जंग जो थी वो लड़ी थी, लेकिन आखिरकार वो इस जंग को हार गए और उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि आज उन्हीं की याद में देवरिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें तमाम कांग्रेसी शामिल हुए थे। वहीं प्रतापगढ़ जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में बीते 3 दिन पहले लापता बेटे की तलाश में जुटे हुए थे परिजन, लेकिन परिजनों की ये कोशिश नाकाम हो गई। इसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को बरामद कर लिया है और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शव मिलने के बाद से नाराज परिजनों ने गुस्साई भीड़ के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की वजह से आवागमन बाधित हो गया। इसी के साथ पुलिस ने परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पूरा मामला प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां पर एक युवक लापता बताया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मृतक का शव जो है वो बरामद कर लिया है। लेकिन शव बरामद होने के बाद जो पीड़ित परिजन है उन्होंने अब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पर 3 दिन पहले यह पूरा मामला हुआ था, जिसके बाद अब परिजन इसमें गुस्साए दिखाई दिए हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे प्रतापगढ़ संवाददाता प्रेम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रेम, आज प्रतापगढ़ में भीड़ का जो है वो कहर देखने को मिला है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जाम किया गया, क्या कुछ ये पूरा मामला सामने आया? जी बिल्कुल, बता दें कि 3 दिन से लापता हुए व्यापारी के पुत्र की आज शव मिलने से नाराज परिजनों ने शव को राष्ट्रीय मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया था। वहीं परिजनों का मांग था कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो व अन्य कई विभिन्न मांगों को लेकर नाराज व्यापारियों ने राष्ट्रीय मार्ग जाम कर दिया था, जिसको लेकर SDM लालगंज सीओ कुंडा के आश्वासन के बाद लगभग 4 घंटे बाद परिजनों ने जाम खत्म कर कार्रवाई आगे की। वहीं बता दें कि राष्ट्रीय लखनऊ RRC मार्ग जाने वाला है, जिस पर शव रखकर परिजनों ने नाराजगी व्यक्त की। लगभग 4 घंटे तक यह प्रक्रिया चलती रही। अंतोगत्ता CO लालगंज व SDM लालगंज के आश्वासन के बाद परिजनों ने ली राहत के साथ। बताए
प्रेम, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, पुलिस ने इस शव को बरामद कर लिया है। आपने बताया कि तीन दिन पहले जो व्यापारी का बेटा था वो लापता हुआ था, ऐसे में पुलिस ने जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन शुरुआती जांच में क्या लग रहा है, क्या ये हत्या की गई है या क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? जी बिल्कुल, बता दें कि ये लगभग तीन दिन पहले परिजनों के आरोप पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं लगातार उसके पुत्र की ढूंढने का कार्य चल रहा था, लेकिन कहीं पर भी सुराग नहीं मिल रहा था। वहीं यह बताया जा रहा था कि वो अपने मित्रों के साथ घर से निकला था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी जमीनी स्तर से तहकीकात की तो उन दोनों मित्रों से लगभग 46 घंटे की पूछताछ के बाद यह पता चला कि वो दोनों मित्र जो उनके एक की उम्र 14 वर्ष और एक की उम्र 17 वर्ष बताए जा रहे, दोनों मित्रों ने ईंट व पत्थर से कूद कूद कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसे घसीट कर कमरे में बंद कर दिया गया और तीन दिन से लगातार पुलिस को गुमराह करती रही। पुलिस भी आबाद से नादान बनी रही। जब दोनों आरोपियों से, नाबालिग आरोपियों से पूछताछ हुई तब यह मामले की जानकारी हुई। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई और जांच में जुटी है। जी प्रेम, जिस तरह से इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिजन है उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया, ऐसे में परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ वो आरोप है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने व कार्रवाई से टाला मटोल करने को लेकर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि तीन दिन से जब उन्होंने पुत्र की गुमशुदगी की तहरीर दी थी, यदि पुलिस समय रहते उनके पुत्र को ढूंढ लेती तो ना होता आज ये बड़ा हादसा और ना ही उनके पुत्र की जाती जान। जी बिल्कुल, इन्हीं कुछ आरोपों को लेकर परिजनों ने पुलिस से भी नाराजगी व्यक्त की है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे थे जहाँ पर पीड़ित परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया है। आपको बता दें कि तीन दिन से लापता युवक का शव मिलने के बाद पीड़ित परिजनों ने नाराजगी जताई है, जहां पर पुलिस पर अब गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है, जिसके कारण जो उनका बेटा है जो उन्हें सकुशल बरामद हो सकता था वहीं अब उसकी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज कई घंटों तक जो था राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रहा, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक उचित कार्रवाई के भी आश्वासन दिए हैं। वहीं फरीदाबाद के तेगांव इलाके में नाली के पानी की निकासी को लेकर पड़ोसियों ने एक युवक को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं हत्या को लेकर परिजनों की माने तो पानी की निकासी को लेकर आपस में पड़ोसियों से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। वहीं इस हमले में युवक की मौत हो गई। वहीं तेगांव थाना SHO कुलदीप ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है। वहीं अब जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सुबह इनके आपस में झगड़ा हुआ तो उसके बाद इन्होंने साथ सबने मिलके पंकज को मारने की कोशिश की थी। एक तो इसमें राहुल है, मेन पवन है, और राहुल ने मेरे को चक्कू मारा था, पवन ने और उसको मारा था पंकज को। किस और इसमें इनके पिताजी भी इन्वॉल्व है, इनकी मम्मी भी है कि उन्होंने झगड़ा पकड़ने में और मारने में। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपका भाई? गली में आपसे वो चल रहा था। गाँव कौन सी जगह? गाँव कौन सी जगह रहते हैं? इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फरीदाबाद संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनोज, मामूली विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, आपको बता दूं कि जरूर ये छोटा सा मामूली विवाद था, लेकिन इस मामूली विवाद में एक युवक की जान चलेगी। घटना तिगांव इलाके की है। नाली के पानी की निकासी को लेकर दो पड़ोसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरी तरफ से एक मृतक पंकज को चाकू मारे गए। मृतक पंकज को कई चाकू लगे, इसके बाद उसे फरीदाबाद के निजस्वाल इलाके में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज तुरंत की मौत हो गई। बता दें कि पंकज के जो है पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजन को सौंप दिया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम बना दी गई है। जी वहीं पुलिस के द्वारा टीम तो गठित कर दी गई है मनोज, लेकिन अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्या कुछ आरोपियों का सुराग पुलिस को मिल पाया है? देखिए, पुलिस के मुताबिक जहां तक हमें जानकारी मिल पाई है, पुलिस से जो जानकारी मिली है
अभी तक जो है हमलावर है वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके लिए कई टीमें बना दी गई है और पुलिस जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लेगी और साथ में पीछे भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद से आपको खबर बता रहे थे जहां पर मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वहीं संभल में पंचायत चुनाव में पुलिस पर हमला करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल ने बताया कि पंचायत चुनाव में पुलिस पर हमला करने वाले नूरपुर ततारपुर निवासी दिनेश को सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आदमपुर रोड बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया है। एएसपी ने बताया कि लंबे समय से वांछित चल रहे गैंगस्टर एक्ट के आरोपी दिनेश पर 25,000 का इनाम घोषित है। वहीं आरोपी से अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। ये थाना संभल पुलिस द्वारा जो है एक गैंगस्टर का वांछित जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था, इसका नाम दिनेश सिंह है, पुत्र जोधी सिंह, नूरपुर थाना कैला देवी वर्तमान में है, इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसकी पूरी कहानी ये है कि अप्रैल महीने में पंचायत इलेक्शन के दौरान गांव कचहरी थाना हयात नगर में पुलिस पे हमला किया गया था, जिसमें अन्य लोगों के साथ ये भी जो है शामिल था, जिस पे उस समय मुकदमा लिखा गया था, गैंगस्टर बना था, तब से ये फरार चल रहा था, जिसको आज गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। वही फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने स्कॉट टीम के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बिंद की पुलिस और स्कॉट टीम को भारी सफलता मिली है। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर जोनिहा चौराहे से एक युवक को दो तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए युवक की निशानदेही पर थाने मऊ गांव में खंडर से अवैध शस्त्र बनाने की मशीन उपकरण समेत 12 निर्मित तमंचे और 2 अर्ध निर्मित तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की बात कही है। पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि पुलिस और स्कॉट टीम को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि फतेहपुर में लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्देशित कर ये पूरा जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मुखबिर की जो सूचना थी वो सटीक साबित हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने इस पूरी जो कार्रवाई है इसको अंजाम दिया है। वहीं फतेहपुर में ठंड की शुरुआत होते ही बदमाशों के हौसले भी बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं और बदमाशों के बुलंद हौसलों की वजह से पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने छत के रास्ते घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लाखों रुपयों के जेवरात और नकदी लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें कि बदमाशों ने दो सगे भाइयों के घर पर धावा बोल दिया और चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। वहीं लूट की सूचना के बाद पुलिस ने फौरन पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2 बजे हमारी नींद खुली और तो जैसे हम जागे तो हमारे उसने कट्टा गन पॉइंट पर हमें रख दिया कि चुपचाप लेटे रहो नहीं तो मार देंगे, और मैसेज किया उसके पूरा जेवर वेवर निकाल लिए उसका और मोबाइल भी चोरी कर लिया है। उसके बाद मुझे सुपाड़ी तुम्हारी मिली, मुझे मारने के लिए 50,000 एडवांस मिला है, अब इसको मार दो। तभी बाबू को आठ मिली तो उन्होंने पिताजी ने चिल्लाया तो वो लोग भागे। उसके बाद वो कितने लोग थे भैया? 3 लोग जो मैंने देखा और उसके बाद और अज्ञात कितने थे वो मुझे नहीं। इतना अच्छा हुआ कि हम लोग जो है खाना वाना खा करके सब लोग सो गए। करीब जो है 1:30 बजे के लमसम बदमाश हमारे घर में जो है दाखिल हुए। हम सुन भी रहे थे मगर ये नहीं समझ पाए कि हमारे घर के अंदर जो है घुसे।
हम यही समझा कि भाई बच्चे हैं, अपना बहू और वो अपने बात कर रहे हैं, हम नहीं जो है कुछ समझ पाए। जब हमारी बुढ़िया जो अंदर गई, देखा था बदमाश, तो उसने शोर मचाया, तब हम जो है चिल्लाए, तो भगे जो है, हमारे बच्चे के जो है तमंचा लगाए हुए थे, बहू के जो है जेवर और पैसे जो है उसको उसके लूट ले गए। हमारे घर में मतलब हम तो घर से रहते नहीं हैं, और घर में मैडम अकेले थी, रात पे कोई आया है, रात में सारा सामान ले गया, पूरी जेवर, बिटिया के जेवर, घर के जेवर और कुछ कपड़े, 5-6 हज़ार करीब रुपए थे, सब ले गए। वहीं अगली खबर चंदौली जनपद के सदर कोतवाली नरसिंहपुर स्थित नवीन मंडी से है, जहां पर किसानों ने धान क्रय केंद्र में हो रही समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि शासनादेश अनुसार आज और कल के ऑफलाइन टोकन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं पुराने ऑफलाइन टोकनों पर धान क्रय करने का आदेश जारी हुआ है, जिसको लेकर किसानों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था। वहीं मौके पर उपजिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आश्वासन देकर चक्का जाम खत्म करवाया और कहा कि मौसम खराब होने की संभावना से कुछ कंफ्यूजन हो गया था, किसानों को इसीलिए थोड़ी समस्या आ रही है। विभाग की तरफ से शासन की गाइडलाइन के अनुसार धान की समस्या को दूर किया जाएगा। इशू ये था कि शासनादेश के अनुसार आज और कल के सभी टोकन निरस्त कर दिए गए हैं, और आज और कल जो पुराने जारी हैं ऑफलाइन ऑनलाइन टोकन के आधार पर खरीद करने के निर्देश हुए हैं। मौसम खराब होने की संभावना है, उसी पे कुछ कन्फ्यूजन था जो किसानों को समझाया गया, तो ये लोग मान गए। आए दिन धान क्रय की समस्या आ रही है, इसके बारे में विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है? समय समय पर शासनादेश परिवर्तित हुए हैं, जिसके कारण कभी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, सही जानकारी न होने के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज जो किसान हंगामा किए थे, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही है कि आज जितने हमारे मंडी के अंदर धान पहले से आ चुका है, पूरा खरीद करा लेंगे, फिर दूसरे किसानों को धान दिया। और जिन किसानों का आज के लिए ऑनलाइन टोकन जारी हुआ था, उनका क्या शासनादेश हुआ है कि आज और कल के सभी टोकन निरस्त रहेंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।